पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ की सदारत में नेशनल क्रिकेट एकेडमी कजाफी स्टेडियम लाहौर। मुनाकिदा इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक मुख्तलिफ अहम पहलू पर गौर किया गया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काजमी। पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेज कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ की सदारत में नेशनल क्रिकेट एकेडमी कजाफी स्टेडियम लाहौर में मुनाकिद हुआ। इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक मुख्तलिफ अहम पहलू पर गौर किया गया। इजलास में तय पाया कि पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए 8 फरवरी से 24 मार्च 2024 की विंडो में रखी गई है। PSL के हतमी शेड्यूल की मंजूरी अगले इजलास में दी जाएगी। इजलास में यह भी तय पाया कि पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन में किसी नई टीम का इजाफा नहीं किया जाएगा और ये लीग 6 टीमों के साथ ही खेली जाएगी। इजलास में खवातीन क्रिकेट की तरक्की के जमन में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड HBL PSL के दौरान वेमेंस लीग या नुमाइशी मैचों के इनका के मौके तलाश करने में अपनी कोशिश जारी रखेगा, जबकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हंगामी मनसूबाबंदी के तहत लीग के मुतबादल मकाबात के सिलसिले में फ्रेंचाइज के साथ नजरसानी कर सकेगा। इजलास में मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन की खदमात का जिक्र करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर जका अशरफ ने कहा की क्रिकेट के लिए इनकी खदमात गरा कदर है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। HBL PCL 9 के डिजिटल और मीडिया कुक और दीगर तजारती मामला के के अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में PSL के गुज़िश्ता इवेंट की रिपोर्ट भी पेश की गई। इस मौके पर फ्रेंचाइज के नुमाइंदे को 8वीं एडिशन की कामयाबी के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर फ्रेंचाइज ने लीग के चारों मकामात पर लीग को कामयाबी से मुनक़द कराने पर PCB के इदारों और तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, न्यूज़ महल, TV लंदन।